Yo guys, how you doing? My name is Amitesh Naik and welcome back to a new video. ये असली गाने boy, कोई TikTok नहीं, बस करूँ groove. आज का video बहुत complicated है. So एक महान हस्ती ने कहा था, अगर हम लोग YouTube पे आ गए, तो इनका कुछ तो कहा था उसने, इनका market खा जाएंगे. Whatever. एक TikTok star है, Mr. Fezugal के. सो भाई साहब ने उनका यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है. इनका जो यूट्यूब चैनल है वो जस्ट कल ही आया था, जब मैं एंजॉय कर रहा था मेरे बैंड डीके के कमेंट्स को. सो अभी इनका एक चैनल का आपको एक ग्लिम्प्स देते हैं. जो मैंने इनका चैनल ओपन किया ना, तब मैंने देखा कि भाई को एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में गालियाँ पड़ रही है. नई बात नहीं है, मैं नीचे स्क्रॉल नहीं करता, मुझे नहीं देखने का है, मालूम है. हाँ, बट इनके डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे नॉर्मली यूट्यूबर्स ज़रा कंफ्यूज होते हैं कि क्या लिखे, मेरा भी ज़रा कंफ्यूजिंग है, बट मोस्ट ऑफ द जो लोग अच्छे इन गेम में वो लिख देते अच्छा. बट मिस्टर फैजू का डिस्क्रिप्शन पढ़िए. Hi, comma. I am a gali guy. Okay. Oh, जरा होता है dyslexia. I am Faisal Sheikh, comma. Also known as Mr. Dot Faisal. Full stop. I try to make entertaining and educational videos. Educational. Seriously, every day I aspire to do something new, and today that brings me here to YouTube. Actually, line ka koi arth nahi banta description mein likhne ke liye. Today that brings me here to YouTube. 10 saal ke baad wahi rehne wala hai. So, jaan do 10 saal mein dikhega nahi. This is for my fans. Without you all, I'm nothing. So, show love. Subscribe and spread the word. इतना motivational description देख के मैं इनको भी छोड़ दूँ. तो चलते हैं इसके वीडियो के ऊपर. इसका वीडियो है Exploring Shillong Shoot Diaries Mr. Faizu 22 hours ago 2.1 million views. हाँ होता है, स्टार्टिंग में ऐसा लोग बहुत हाइप दे देते हैं और मैं टक करके गिरा देते हैं. होता है, मैंने भी वही झेला है. सो ओके, मैं पहली बात बताता हूँ, मैं वीडियो आई एम नॉट बीइंग बायस. मुझे जैसा लगा वीडियो में वैसा बोलूँगा वीडियो के बारे में, और ये मेरा पर्सनल वीडियो मुझे मालूम है. बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, क्योंकि बोलते हैं ना, टिकटॉक ऐसे यूट्यूब पे आए 15 सेकेंड वालों को 11 मिनट 48 मिनट वीडियो बनाया है इन लोगों ने. आदत नहीं रहेगी, बट देखते हैं कैसा आता है इनका वीडियो. सो हियर वी गो. नाम था, और एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग का ज़रा अच्छा लगा वो पार्ट. इसका एडिटर अच्छा रहेगा, ये तो एडिट नहीं करेगा भाई, लिख के देता है मैं. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो से. भाई ब्लर ज़रा दिख रहे हैं, देखते हैं क्या मोटिवेशनल स्पीच देते हैं उनके डिस्क्रिप्शन की तरह. गो. ये ऑडियो क्वालिटी भाई, इतना बड़ा टिकटॉक स्टार और ऐसी ऑडियो क्वालिटी. मुझे इसका स्टार्टिंग का है ना सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, हे गाइस मैं भी कैसे हो बोला रहेगा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और न्यू यूट्यूब चैनल. बाकी कुछ नहीं समझा. और हाँ, ये अपना उसका चालू था. सो देखते हैं आगे कैसा आता है वीडियो. अरे मैं तो कुछ बोला
गाइस आज का व्लॉग एकदम एंड है, एंड इसलिए क्योंकि पूरा डे एंड होने के बाद ओके सो उसने आज का वीडियो द एंड है ऐसा कुछ तो बोला। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कुछ बोल रहा है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहा है पहली बात। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसने इधर डे जीरो लिखा है। इसका मीनिंग क्या रहता है मुझे नहीं मालूम। हम यूट्यूबर्स हैं, मेरे लिए तो मेरा डे वन डे टू डे थ्री रहता है। अगर आई एम नॉट दैट, मेरा इतना नॉलेज नहीं रहेगी तो मेरी नॉलेज में बोलते हैं मराठी में बोलते मजा बुद्धि मदे एक भर टाका एनलाइट मी विद योर नॉलेज कि ये डे जीरो क्या रहता है। आई हैव नो आइडिया, सो गेट आइडिया। हार चुका हूँ तो भी जीतूंगा। ज़्यादा और शूट करना है, 5 दिन का शूट है ये, मेरा अब तक का सबसे बड़ा शूट हो रहा है जो मतलब इतने सारे दिन ले रहा है, तो देखते हैं। लेट्स सी गाइस। फाइनली गाइस द लोकेशन पर इसका एडिटर, इसका सिनेमेटोग्राफर दोनों अच्छे, ये सिर्फ यही कर रहा है। ये लोग सिर्फ ऐसे ही वेस्ट साइड का दिखाते हैं, साइन ईस्ट साइड का दिखाते हैं, उन लोगों को इन चीज़ का मीनिंग भी नहीं मालूम। सो चलो इसलिए इंडिया इतना इलिटरेट है। लाइक हिप हॉप में हर चीज़ का एक कुछ ना कुछ तो अर्थ रहता है। जान दो छोड़ दो, वीडियो देखते हैं हम। तो ये वीडियो इसके आगे मैं नहीं रिएक्ट कर रहा हूँ, मतलब मैंने किया है पर मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। इसका मेन रीज़न है कि आगे वीडियो में सिर्फ एक ही चीज़ कांस्टेंट है। ओके सो मेरे पास थोड़े पॉइंट्स है वो मैं आपको ज़रा बताता हूँ। पहली बात, वीडियो का नाम था एक्सप्लोरिंग शिलोंग, और बोलते हैं ना उसने अपना सिर्फ इसके बारे में बताया था, उसका शूट में क्या हो रहा है क्या हो रहा है, मतलब शिलोंग के बारे में जीरो नॉलेज। ओके चल, वो भी कभी कभी मतलब ना उसने उसका पार्ट बताया उसने शिलोंग में है। ओके चल, वो इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, लैक्स में कमाता रहेगा, मे बी चल थाउजेंड्स में, डोंट ओवर एग्जैग्रेटेड। और यू हैव अ ग्रेट लाइफ स्टाइल, मतलब जमीन आसमान का फ़र्क है। यू थिंक कि लाइक उसका वीडियो देखोगे तो प्रॉपर प्लान रहना चाहिए, मतलब उसके पूरे वीडियो में ऑडियो मुझे बहुत बकवास लगा, मतलब लिटरली मैंने मेरे खुद का वीडियो स्क्रैप किया क्योंकि उसका ऑडियो अच्छा नहीं था और इसने ऐसे ही डाल दिया। सो एज एडिटर मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है। सेकंड थिंग, उसके जो एडिटर है उसने बहुत अच्छा काम किया है। ओवरऑल मेरे लिए सबसे वर्स्ट रिएक्शन था। हाँ, और अगर थोड़े लोग अभी बोलते रहिए कि ब्रो तू कैसा करते हो कैसा था, भाई देख मेरे है ना, मेरे अगर आगे के लगा है ना मेरे जितने सब्सक्राइबर्स है तो उसके सब्सक्राइबर्स बनते, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स इंटू 1000। तो अगर मैं ऐसा छोटी गलती करता हूँ ना, मैं बढ़ सकता हूँ, मैं बोलते हैं ना वो रिकवर कर सकता हूँ, मतलब 100 लोग देखेंगे 200 लोग देखेंगे। 2.1 मिलियन अभी भी मालूम नहीं कितना है, इतने लोगों ने देखा है। लाइक यूट्यूब खेल नहीं है ब्रो, बहुत कुछ करना पड़ता है। लाइक तुम लोग इतना यूट्यूब पे आके इतना जो हाइप मिला है, डायरेक्ट मेरे इसमें पहले वीडियो को व्यू है, तो एटलीस्ट उसको इतना अच्छा प्रेजेंटेबल करो, ऑडियो रखो, क्या बोलने का भी, जान दो छोड़ दो। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मेरे लिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि बोलते हैं ना कि इट्स क्लोज टू मी माई फेवरेट एक्टर माई फेवरेट रैपर, उन्होंने का एक मिक्सचर है। तो मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं देता, आप देख लो। अगर ये वीडियो में कुछ मुझसे गलती से कुछ बोला गया मैंने तो माफ़ कर दो बच्चा हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड ऑल, और हाँ शेयर कर दो कृपया करके अगर आपको पसंद आया तो, क्योंकि पहले मेरे हर एक वीडियो के साथ ज़रा सब्सक्राइबर्स बढ़ते थे, अभी ज़रा नहीं बढ़े, तो शेयर कर दो, हमें मोटिवेशन मिलता है। सो टिल देन नेक्स्ट टाइम पीस। एक डांस मूव है फेमस, फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक में ही है। मैं जो भी करूं बॉय कभी होता फ्लॉप नहीं, ये असली गाने बॉय कोई टिकटॉक नहीं, बस करूं ग्रूव मुझे नाचने का शौक नहीं, माना मुझे सुनने वाली हल्की थी लड़की, फिर भी सुना उसने क्योंकि उसका मन था, वो मुझे देखे तेरी क्यों है।